दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आप CSC द्वारा ITR फाइल कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि आप ऑनलाइन अपना TDS कैसे चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उस वीडियो में बहुत से लोगों ने पूछा है कि ITR कैसे फाइल करना है, उसके बारे में बताइए। तो इस वीडियो में हम आपको ITR फाइल करने की प्रक्रिया के बारे में बताने वाले हैं, जो कि CSC के द्वारा की जाएगी। तो अगर आप भी इसे सीखना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो लोग CSC से ITR फाइल करना चाहते हैं, उन्हें आना होगा डिजिटल सेवा पोर्टल पे। देखिए, लिखा है digitalseva.csc.gov.in, और यहाँ पर उन्हें क्या करना है कि लॉगिन पे क्लिक करके अपने ID और पासवर्ड से लॉगिन करा लेना है। तो ID पासवर्ड डालिए और लॉगिन हो जाएगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जिनके पास ID पासवर्ड नहीं है और वो CSC के द्वारा अपना ITR फाइल कराना चाहते हैं, तो हमने कमेंट बॉक्स में उन्हें अपनी मेल ID दे रखी है, वो उस मेल ID पे हमें कॉन्टेक्ट करके अपना जो है ITR फाइल करा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इसे लॉगिन करते हैं। लॉगिन होने के बाद देखिए इस प्रकार से पेज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर चलना है आपको सर्च बॉक्स में, और यहाँ पर आपको लिखना है टेक्स्ट टू। यहाँ पर जैसे टेक्स्ट टू लिखेंगे, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है टेक्स्ट टू, और यहाँ पर देखिए सर्च में नीचे आ गया इनकम टैक्स रिटर्न फिलिंग, हमें यहीं पर कर देना है क्लिक। और क्लिक करते ही आप देखेंगे आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ से देखिए ITR फाइल होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है लॉग इन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट, और अपना ID पासवर्ड डालेंगे फिर से और इसे लॉग इन कराएंगे। लॉग इन होने के बाद देखिए आपके सामने इस प्रकार से ये पेज खुल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बेसिक सा आपके सामने एक आवेदन फॉर्म है जिसे आपको भरना होगा, और भरते ही आपका ITR फाइल चुटकियों में हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप इससे पहले ITR भर चुके हैं, पहले भी आपने अपना ITR इससे फाइल किया हुआ है, तो ऑटोमेटिक आपका खाली पैन नंबर डालते ही सारी जानकारी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। लेकिन अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो पहली बार आपको यहाँ पर सारी जानकारी भरनी होगी। जैसे देखिए सबसे पहले अपना पैन नंबर डालिए, फिर आधार नंबर, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ पर देखिए फादर्स इनकम, फिर यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आप एक CSC VLE है या सिटीजन है वो बताना होगा। उसके बाद जो आपका ITR का जो वेबसाइट का जो पासवर्ड है वो यहाँ पर डालना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये अगर आपके पास है तो डाल दीजिए। जिन लोगों के पास नहीं है तो और वो पहली बार कर रहे हैं तो उन्हें खाली छोड़ना है, वो टीम उनसे कॉन्टेक्ट करके ये ID पासवर्ड उनका तैयार कर लेगी। यहाँ पर कस्टमर का मोबाइल नंबर, यहाँ पर कस्टमर का ईमेल ID, यहाँ पर पिन कोड, और यहाँ पर फ्रेंड्स एड्रेस आएगा। इसके बाद नीचे चले आइए। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर अगर VLE भर रहा है तो VLE का नाम, VLE का मोबाइल नंबर और VLE की ईमेल ID आएगी। ठीक है, तो VLE यहाँ पर जरूर डालें क्योंकि VLE से जुड़े रहेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको IFSC कोड, बैंक का अकाउंट नंबर और अकाउंट टाइप, और यहाँ पर बताना है कि मेन अकाउंट है या आपने 2 से 3 अकाउंट जोड़ रखे हैं। तो आप 2 से 3 अगर आपके अकाउंट है तो वो आप यहाँ पर जोड़ देंगे और मेन अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे और अपनी इनकम की जानकारी यहाँ पर देंगे, आपका इनकम का सोर्स क्या है, आपकी सैलरी इनकम है, कैपिटल गेन इनकम है, बिजनेस से कोई इनकम है, आपके घर से कोई किसी प्रकार की रेंट से कोई इनकम आती है तो वो यहाँ पर बता देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है क्या आपकी सालाना आय 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो यस करेंगे, और नहीं है तो नहीं करेंगे, और अगर आपको पता नहीं है तो नॉट श्योर पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए अगर रिमार्क में आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप रिमार्क में जो लिखना चाहते हैं वो लिख दें। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अटैच करना है, तो यहाँ पर आपका पैन कार्ड और आपका पासबुक यहाँ पर आप जरूर अटैच कर दीजिए। तो पैन नीचे आएंगे, आप किस साल का ITR भराना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए 22, 23, 23, 24 और 24, 25 का, अगर नया वाला कराना चाहते तो नए पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए नीचे नियम और शर्तें लिख बताई गई हैं, तो आपको नियम और शर्तों का चयन करना है। यहाँ पर सारी जानकारी एक बार सब कुछ अब भर लें तो फिर आपको यहाँ पर सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं करता हूँ सबमिट। सबमिट करते के बाद आप देखेंगे इस प्रकार से जो CSC का पेमेंट गेटवे है वो आपके सामने खुल जाएगा, और यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर देखिए कितना अमाउंट दिख रहा है, और कटपिट के आपको इतना अमाउंट यहाँ पर पे करना होगा। तो चलिए यहाँ पर पासवर्ड डालना है आपको, उसके बाद कर दीजिए वैलिडेट पे क्लिक, और वैलिड पे क्लिक करने के बाद फिर आपसे मांगेगा ये पिन, तो आपको भरना है पिन, और पिन भरने के बाद आपको करना है सबमिट। ये पेमेंट जैसे आप यहाँ पिन डालेंगे यहाँ पर आएगा पेमेंट सक्सेस। अब आपको यहाँ पर करना है कुछ सेकंड का वेट, ये आपको डिडायरेक्ट करेगा देखिए यहाँ पर टेक्स्ट टू विन पे।
अब जैसे ही आप यहाँ पर इस पेज पे आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको सेंड ओटीपी पे एक बार क्लिक करके इसका ओटीपी वेरीफाई कराना है। तो देखिए हम करेंगे सेंड ओटीपी और यहाँ पर देखिए एक पिन यहाँ पर हमारे मोबाइल पे आएगा आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, और यहाँ पर देखिए हम उस ओटीपी को यहाँ पर डालेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ हम करेंगे वेरीफाई, और वेरीफाई करने के बाद कुछ सेकंड का टिकट टाइम लगेगा। यहाँ पर हो गया है सारा कंप्लीट, ई फाइलर एडिट, हम कर देंगे प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 26 AS इम्पोर्ट, इम्पोर्ट पे करेंगे हम क्लिक, और उसके बाद कुछ सेकंड का टाइम लगेगा ये इम्पोर्ट को वेरीफाई कराएगा। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं और देखिए कुछ सेकंड का टाइम लगेगा, ये ऑटोमेटिक वेरीफाई करेगा, यहाँ पर कोई भी ओटीपी नहीं डालना होगा। यस इंपोर्टेड, आपको फिर से प्रोसीड पे क्लिक करना है, और प्रोसीड करते ही देखिए इस प्रकार से लिखा आएगा थैंक यू, और आपका यहाँ पर देखिए रसीद आपको मिल जाएगी। यानी कि फ्रेंड्स अब आपका काम यहाँ पर हो गया, आप चाहें तो रसीद को प्रिंट कर लें और अपने पास संभाल के रख लें। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका ITR फाइल जो है CSC के द्वारा हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी ITR फाइल कर सकते हैं CSC से। उम्मीद करते हैं आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।